स्वागत है आपका एक नए सीरीज़ के वीडियो में, जिस सीरीज़ में हम बात करेंगे न्यू एंड ओल्ड डिवाइस के अपडेट, अपकमिंग अपडेट्स, बग्स एंड फिक्सेस के बारे में, जिसमें हम सभी डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पुराने डिवाइस और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे न्यू डिवाइस जो कि है रेडमी का नोट 10 प्रो और सबसे जो ओल्ड डिवाइस वो है रेडमी का नोट 5 सीरीज़। तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था, मैंने फिर से ये सीरीज़ स्टार्ट किया है और रेगुलर मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा जिसमें मैं पुराने और नए डिवाइस के अपडेट, बग्स एंड फिक्सेस के बारे में बात करूंगा। अगर आपके पास रेडमी का नोट 5 प्रो है तो आप लोग बहुत दिनों से इंस्टाग्राम और मैसेंजर और साथ साथ यहां पर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आ रहा था कि इस डिवाइस को 12 के अपडेट के बाद कोई और अपडेट क्यों नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक गुड न्यूज़ है रेडमी नोट 5 प्रो के डिवाइस के लिए। यहां पर रेडमी नोट 5 को कोई भी अपडेट नहीं मिला, बट 5 प्रो को यहां पर एक और अपडेट मिलने जा रहा है जो कि है MIUI का 12 सीरीज़ का शायद दूसरा अपडेट, क्योंकि इसका जो पहला अपडेट था वो यहां पर कैंसिल हो गया था। लेकिन अगर मैनुअली अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। तो MIUI का जो वर्जन है 12.0.3.0 ये अपडेट आप यहाँ पर अब देखने को आपको मैनुअली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चाइना में ऑलरेडी मिल चुका है और कोई भी अपडेट आपको चाइनीज़ रोम में देखने को मिलता है तो उसके ठीक 15 डेज़ के बाद आपको यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलता है। तो गुड न्यूज़ है रेडमी नोट 5 प्रो के यूज़र्स के लिए, जो कि अपकमिंग अपडेट्स का है वो भी MIUI 12.0.3.0 का सीरीज़ आपके डिवाइस में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अभी भी कोई भी डाउट है अपकमिंग अपडेट, बग फिक्सेस के रिगार्डिंग, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड डिवाइस जो कि है रेडमी K20 प्रो एंड रेडमी K20। ऐप वर्ल्ड के अंदर बहुत से फीचर्स हैं, MIUI का डायलर है तो बेस्ट डिवाइस मुझे ये लगता है और ये काफ़ी सही डील था यहाँ पर Xiaomi के साथ। तो इसके अपकमिंग अपडेट्स के बारे में बात करें तो जिन लोगों ने पायलट टेस्टर्स यूज़ किया हुआ, यानी कि उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ, उनको 12.5 का अपडेट मिल चुका है। बट जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है उनको गुड न्यूज़ ये है कि अपकमिंग अपडेट देखने को मिलेगा 12.5 के सीरीज़ का रेडमी K20 प्रो एंड रेडमी K20 में। तो जो लोगों ने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है उनको यहाँ पर जो न्यू अपडेट है अपकमिंग सीरीज़ का वही 12.5 का मिलेगा, जिसमें से थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे पहला अपडेट में। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो अभी का अपडेट है इसके अंदर जो कैमरा है उसका आउटपुट काफ़ी बढ़िया है। ऐसे भी इसके अंदर सोनी का सेंसर है तो इसका जो कैमरा आउटपुट है वो पहले से ही अच्छा था, बट जो 12 के सीरीज़ जब से मैंने अपडेट किया है तब से रेडमी K20 प्रो का जो डिवाइस उसका कैमरा काफ़ी अच्छा आउटपुट यहाँ पर देता है, बट बैटरी के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो कि मुझे लगता है कि 12.5 के सीरीज़ में फिक्सेस यहाँ पर होंगे। तो आप इस हिसाब से इस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अब लास्ट यहाँ पर हम बात करेंगे एक और डिवाइस का जो कि यहाँ पर जो लेटेस्ट डिवाइस है वो ये है रेडमी का नोट 10 प्रो एंड रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, क्योंकि इन दोनों में सेम अपडेट आपको रोल आउट किया जाएगा। और अभी जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें 12.5.4.0 का अपडेट आपको देखने को मिल चुका है, लेकिन ये OTA में सभी को देखने को नहीं मिला था, ये पार्सल अपडेट है। विद इन 7 डेज सभी के OTA में आपको 12.5.4.0 का अपडेट Redmi Note 10 Pro के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा और यही अपडेट आपको Redmi Note 10 Pro Max में देखने को मिलेगा। ये स्किन मैंने यहाँ पर लगाया है रैपकार्ट की तरफ से और इसका गिव अवे भी है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका वीडियो लिंक दे दूंगा, कैसे पार्टिसिपेट करना है काफ़ी आसान सा प्रोसेस है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो यही था आज का अपडेट का वीडियो जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी अपकमिंग अपडेट्स एंड फिक्सेस के बारे में। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें।